18 महीने डीएडीआर का जो आपका बकाया एरियर है उस पर बड़ी अपडेट आई है। वित्त मंत्रालय क्यों नहीं दे पा रहा है आपको 18 महीने डीएडीआर का एरियर? बता दीजिए, कोविड के टाइम पर आपका बैलेंस था, वित्त मंत्रालय ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाएंगे आगे लेटर। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं, 18 महीने का डीएडीआर सभी पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मियों का कितना बनता है आपका 18 महीने का डीएडीआर देकर वित्त मंत्रालय के कैसे होश उड़ गए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कौन कौन सा आपका बाकी है। 1/7/2019 से डीएडीआर बंद हो गया था, सीज कर लिया गया था, और 31/12/2019 तक पहले 6 महीने का बंद किया गया था जिसमें 4% की बढ़ोतरी की गई थी। यानी कि 1/7/2019 से 31/12/2019 तक 4% 6 महीने का आपका डीएडीआर बैलेंस है, सीज किया हुआ है। ये आपको मिलना है, इसका एरियर मिलना है, कितना बनेगा वो भी मैं आपको आगे कैलकुलेशन दिखाऊंगा। दूसरा है 1/1/2020 से 30/6/2020, ये भी 6 महीने हो गए, इस समय 3% डीएडीआर बढ़ा था और उसके हिसाब से भी आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कितना आपका डीएडीआर बकाया है। तीसरा 6 महीने था 1/7/2020 से 31/12/2020, इसका भी 4% आपका डीएडीआर बन रहा था, ये भी आपका सीज हो गया था। इसके बाद आपको मैं बता दूं 6/6 करके ये 18 महीने का आपका बकाया है और इसमें आप अगर एक एक करके कैलकुलेट करेंगे तो अगर जिसकी बेसिक 40,000 रुपए है तो उसका डीएडीआर कितना बनेगा, इसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ का डीए यानी कि जो 1/7/2019 से 31/12/2019 का 4% बना है, फर्स्ट 6 मंथ का डीए जो है 40,000 बेसिक पर 4/100, तो अगर देखा जाए 1600 रुपए पर मंथ का डीए 6 महीने का, पहले 6 महीने का पेंडिंग है। तो अगर इसको मैं 18 महीने करूं, क्योंकि पहले 6 महीने का 18 महीने करके इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 28,800 रुपए पहले 6 महीने का आपका पेंडिंग है। तो पहले 6 महीने का इसी तरह दूसरे 6 महीने का 3% था और तीसरे 6 महीने का 4% था, इसको भी कैलकुलेट करें तो दूसरे 6 मंथ का जो डीए होगा 40,000 3/100 करने के बाद जो टोटल 1201 महीने का डीए आ रहा है और इस हिसाब से 6 महीने हो गए तो इसके बाद 12 महीने बचे तो 12 महीने का डीए जो हो जाएगा 14,400 रुपए हो जाएगा। तो ये दोनों दो 6 महीने के हो गए, पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने का। अब तीसरे 6 महीने का जो 1/7/2020 से 31/12/2020 का जो 4% बढ़ा है, थर्ड 6 मंथ का डीए हो जाएगा 40,000 × 4/100, 1600 रुपए पर मंथ। इसमें 6 महीने का कैलकुलेट अगर करें तो 9,600 रुपए 9,600 रुपए डीए हो जाता है। अगर मैं इन तीनों का कैलकुलेशन करूं तो आपको डीएडीआर जो बकाया है इतना मिलेगा जिसकी 40,000 बेसिक है। तो इसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं कि 18 महीने डीएडीआर जिसकी बेसिक 40,000 है उसको कितना मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पहले 6 मंथ का 28,800, दूसरे 6 मंथ का 14,400 और तीसरे 6 मंथ का 9,600 रुपए, टोटल 52,800 रुपए बन रहा है जिसकी बेसिक 40,000 है। अगर जिसकी बेसिक 20,000 है तो उसका 26,400 बनेगा और जिसकी बेसिक 80,000 है तो 1,05,600 रुपए बनेगा। तो इस हिसाब से ये लाखों में एरियर बन रहा है 18 महीने बकाए का। 18 महीने बकाए का एरियर सरकार क्यों नहीं दे पा रही, आपको एक लेटर दिखाता हूं। ये खबर आई है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 18 महीने के महंगाई भत्ते को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया था और प्रस्ताव जो भेजा गया था भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री सीतारमण को प्रस्ताव भेजा था, लेटर भेजा था, और उसमें कहा गया था कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड लोगों को रोका गया भत्ता, महंगाई भत्ता जो है वापस करना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 के दौरान इसके योगदान देश को प्रयासों का समर्थन करने की भूमिका पर जोर दिया है। डीए 18 महीने को लेकर जो चर्चा है, 18 महीने का जो पेंशन भोगी केंद्रीय कर्मियों का डीए बकाया है, इस पर डीए 18 महीने का जो है एरियर अलग अलग लाखों में बन रहा है, भुगतान संभव नहीं है। जब ये लेटर भेजा गया वित्त मंत्रालय के पास,
तो वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये अभी भुगतान संभव नहीं है। हालांकि देने से मना नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि भुगतान अभी संभव नहीं है। देश की वित्तीय हालत सुधरने के बाद वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संकेत दिया था कि नकारात्मक के कारण चुनौतीपूर्ण 2021 जो कोविड टाइम था उस समय, अभी इस समय इसका भुगतान करना संभव नहीं है। इसका भुगतान संभव नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मिलेगा नहीं, ये आपको आगे मिलेगा, कब मिलेगा इसकी कोई अभी घोषणा नहीं की है। और बता दें 50% जब डीओ बढ़ गया है तो इसको कई खबरें ऐसी आ रही कि इसको मर्ज किया जा सकता है। मर्ज भी सरकार नहीं कर रही, अगर मर्ज भी हो जाता है डीए आपका 50% तो इसका भी हमें काफी बेनिफिट मिलेगा। मर्ज होने से क्या बेनिफिट है आपको एक टेबल दिखाता हूं। बेसिक में महंगाई भत्ता अगर मर्ज हो जाता है तो आपको काफी फायदा मिलता है। जैसे कि अगर जिसकी बेसिक 20,000 रुपए है उसको 50% अगर डीए हो जाए तो 10,000 उसकी बेसिक में डीए मर्ज कर दिया जाए, 20,000 का 10,000 बेसिक जो डीए बनेगा 10,000 टोटल 30,000 हो जाएगा। अगर हम डीए मर्ज कर देते हैं तो हमें 4% अगर डीए की बढ़ोतरी होती है तो 1,200 रुपए का फायदा होता है। अगर हम डीए मर्ज नहीं करते हैं 20,000 में ही डीए का 4% लगाए तो हमें सिर्फ 800 रुपए का फायदा होता है। तो ये जो डीए बढ़ता है अगर मर्ज हो जाता है तो उसमें हमें हर महीने फायदा 400 रुपए का होगा अगर 4% डीए बढ़ता है। अगर मर्ज नहीं होता है तो हमें 4% का नुकसान रहेगा क्योंकि हमारा 20% पर डीए लगेगा, अगर मर्ज हो जाएगा तो 30% पर डीए लगेगा। इस हिसाब से ये डीए की कैलकुलेशन है। अगर आपको 30,000 बेसिक मिल रही है तो आपका डीए 1,800 रुपए बढ़ेगा पर मंथ 4% के हिसाब से। अगर मर्ज नहीं होगा तो 1,200 बढ़ेगा। इसी हिसाब से जो 40,000 है उनकी 2,400 रुपए मर्ज होने के बाद बढ़ेगा, अगर मर्ज नहीं होगा तो 1,600 रुपए का नुकसान। इस हिसाब से अगर 60,000 जिनकी बेसिक है तो उनकी 3,600 रुपए डीए मर्ज होने के बाद 3,600 रुपए बढ़ेगा, अगर मर्ज नहीं होगा तो 2,400 रुपए बढ़ोतरी होगी। तो इस हिसाब से 1,200 का नुकसान होता है। तो डीए डीआर मर्ज की अभी कोई ऐसी खबर नहीं है। अगर मर्ज हो जाता है तो उससे हमें फायदा ही होता है। कई पेंशनर्स कमेंट करते हैं कि मर्ज होने से हमें क्या फायदा है क्योंकि डीए तो हमें पहले ही मिल रहा है, मर्ज हो जाएगा तो हमारा 0% डीए हो जाएगा, तो 0% के बाद जो भी डीए बढ़ोतरी होगी तो उसमें फायदा मिलता है। अभी मैं आपको बता दूं कि एक मामला इक्वल एमएसपी का भी है। इक्वल एमएसपी हो जाती है तो हमें उसका काफी बेनिफिट मिलता है, और काफी बेनिफिट इसलिए भी मिलेगा कि इक्वल एमएसपी होने पर एक टेबल आपको दिखाता हूं कि कितना आपको फायदा हो सकता है। इसलिए वित्त मंत्रालय भी इसको देखकर चौंक जाएगा क्योंकि इतना बड़ी आपको बेनिफिट है, वित्त मंत्रालय को काफी बोझ पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी काफी बोझ पड़ेगा। अगर इक्वल एमएसपी हो जाती है 15,500 तो 7,750 आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, और ये बेसिक में मानी जाती है जो इक्वल एमएसपी होती है, इसमें डीए भी मिलता है। इस हिसाब से 7CPC में जो हमारी एमएसपी 5200 थी वो 2600 मिल रही है, ऑलरेडी हमारी पेंशन में ऐड है। अगर देखा जाए अगर इक्वल हो जाती है तो हमें 7750 माइनस 2600 5150 और पेंशन में अधिक बढ़ोतरी होगी, यानी कि 5150 बेसिक में और जुड़ जाएगा जिसके हिसाब से हमें डीए भी इसमें मिलेगा। अब इसके हिसाब से अगर सिपाही की देखें, प्री 2006 वाले सिपाही जो होंगे 17 साल सर्विस करने वाले, उनको एमएसपी 5150 और बेसिक में जुड़ जाएगी। ओआरओपी 2 में उनकी बेसिक 18,807 थी। अब जो बेसिक हो जाएगी एमएसपी के बाद अगर इक्वल हो जाती है हमारी तो 23,957 रुपए बेसिक हो जाएगी एमएसपी और बेसिक जोड़ने के बाद। उस हिसाब से डीए 11,978 रुपए 50% के हिसाब से, तो हमारा डीए टोटल बन जाएगा, टोटल जो पेंशन बन जाएगी डीए के साथ 35,935 रुपए बन जाएगी। ये सिपाही प्री 2006 वालों की। इसी तरह से सिपाही पोस्ट 2006 वाले की जो एमएसीपी 2 ले रहे हैं उनको 17 साल सर्विस करने वाले की उनको भी एमएसपी 5150 का फायदा होगा, और जो उनकी नई बेसिक हो जाएगी 27,048 रुपए हो जाएगी, 13,524 रुपए डीए 50% हो जाएगा। इस हिसाब से नई पेंशन 40,572 रुपए हो जाएगी सिपाही पोस्ट 2006 जो एमएसीपी 2 ले रहे हैं। इसके बाद नायक इक्वल टू सिपाही एमएसीपी 1 17 साल सर्विस करने वाले की जो
नई बेसिक हो जाएगी 25,257 रुपए, इस हिसाब से टोटल उनको डीए जो बनेगा 12,628 रुपए और टोटल जो पेंशन बन जाएगी 37,885 रुपए नाइट ग्रेड की। इसके बाद हवलदार इक्वल टू सिपाही एमएसीपी 19 साल सर्विस करने वाले की 21,782 रुपए बेसिक हो जाएगी, बेसिक है ओआरओपी 2 में। अब नई बेसिक अगर इक्वल एमएसपी हो जाती तो 26,932 रुपए, डीए 13,466 का फायदा होगा और 40,398 रुपए नई बेसिक नई पेंशन हो जाएगी। इक्वल हवलदार जो नायब सूबेदार इक्वल टू नायब सूबेदार जो हवलदार हैं 24 साल सर्विस करते हैं इक्वल टू नायब सूबेदार के अगर पेंशन ले रहे हैं तो उनकी 23,750 ओआरओपी 2 में पेंशन है, उस हिसाब से इनको बेसिक और एमएसपी जोड़ने के बाद 28,900 रुपए हो जाएगी और टोटल पेंशन जो बनेगी 43,350 रुपए बनेगी। इसी तरह से हवलदार जो इक्वल टू ओनली नायब सूबेदार है 26 साल सर्विस करते हैं तो उनकी बेसिक ओआरओपी 2 में 24,825 रुपए है, एमएसपी मिलने के बाद 29,975 रुपए हो जाएगी और डीए 14,987 रुपए मिलेगा। इस हिसाब से टोटल जो बेसिक बनेगी 44,962 रुपए बेसिक टोटल पेंशन डीए के साथ बन जाएगी 44,962 रुपए। नायब सूबेदार 28 साल सर्विस करने वाले की नई जो बेसिक हो जाएगी एमएसपी जोड़ने के बाद 31,225 रुपए, डीए के साथ में 15,612 रुपए डीए जोड़ दें तो 46,837 रुपए नायब सूबेदार को मिलेगा। सूबेदार को 30 साल सर्विस करने वाले की 36,150 रुपए बेसिक हो जाएगी एमएसपी के साथ, 18,075 रुपए डीए जुड़ जाएगा तो टोटल पेंशन 54,225 रुपए बनेगी 54,225। सूबेदार मेजर को 31,625 रुपए ओआरओपी 2 में मिल रही है, 36,775 रुपए एमएसपी के साथ हो जाएगी, 18,387 रुपए 50% डीए हो जाएगा, उसके हिसाब से टोटल जो पेंशन बनेगी 55,162 रुपए। ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी इक्वल एमएसपी पर क्योंकि उनको ऑलरेडी इक्वल एमएसपी मिल रही है, तो इस हिसाब से उनकी जो बेसिक बनेगी 61,800 और 65,512 रुपए टोटल पेंशन बन जाएगी। अब मैं बता दूं कि 8 पे कमीशन में वैसे भी अगर आपकी इक्वल एमएसपी नहीं होती है, हम कोर्ट का केस अभी तक नहीं फैसला आता है, इस पर केस चलता रहता है, तब भी हमें 8 पे कमीशन में फायदा होगा और 8 पे कमीशन 2 साल बाद यानी कि 2026 में इसको लागू किया जाएगा, उसमें हमें इक्वल एमएसपी तो नहीं होगी लेकिन एमएसपी में बढ़ोतरी होगी और वो बढ़ोतरी कितनी होगी वो मैंने एक वीडियो बनाया है उसके बारे में मैं बता दूं, डबल सीधा सीधा एमएसपी हो जाएगी।